स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपने पतंजलि के सभी भाई बहनों को हर रोज कम से कम 5 मिनट का ध्यान अवश्य करना चाहिए। ये मात्र पतंजलि का ही अनुशासन नहीं, हम सबके जीवन का एक अनुशासन होना चाहिए। जो 5 मिनट भी ध्यान नहीं करेगा और कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती, उसमें इरिटेशन होगा, रिएक्शन होगा, एंगर गुस्सा होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, पॉजिटिविटी कम होगी, क्रिएटिविटी कम होगी, उसके अंदर उत्साह कम होगा। इसलिए एक नियम बना लो, योग अध्यात्म ये हमारे खून में, ये हमारे खानदान में। बुरी चीज़ें भी खानदान में होती हैं। किसी के खानदान में शुगर की बीमारी है, किसी के खानदान में ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी के खानदान में कैंसर की बीमारी है, किसी के खानदान में मोटापा की बीमारी है, किसी के खानदान में बाल उड़ने की बीमारी है। होता है, बापू के उड़े 60 साल में तो बेटे के 40-45 साल में उड़ने लग गए। जैसे बीमारियां खानदानी होती हैं, ऐसे ही अच्छी बातें भी खानदानी होती हैं। हम मूलतः मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि महान ऋषियों की संतान है। तो जैसे ही आपको योग और अध्यात्म की बात की जाती है तो आपके अंदर स्वाभाविक रूप से एक इंस्पिरेशन होता है कि अरे ये तो मेरा है। तो सभी भाई बहन 5 मिनट ध्यान अवश्य किया करें। बाकी प्राणायाम ध्यान पूर्वक करना चाहिए, आसन करने चाहिए, थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि पतंजलि के बारे में हमने बार बार आपसे कहा है, पतंजलि इज नॉट ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पतंजलि इज नॉट ए बिजनेस हाउस कॉर्पोरेट हाउस। पतंजलि बेसिकली ए स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। पतंजलि खाली एक ब्रांड नहीं है, पतंजलि एक बहुत बड़ी संस्था है, पतंजलि एक बहुत बड़ा संगठन है, पतंजलि एक बहुत बड़ा अभियान है, पतंजलि एक बहुत बड़ा आंदोलन है, पतंजलि एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। कुछ लोग अब जैसे लाइफ बॉय एक ब्रांड है, किसी से पूछो जैसे लाइफ बॉय का अर्थ क्या होता है, तो लाइफ करता है जिंदगी, बॉय का मतलब बच्चा। आजकल तो उस लाइफ बॉय की जिंदगी, बच्चे की जिंदगी भी खतरे में पड़ी हुई है। मीन्स इन ये ब्रांड्स का कोई, ये मीनिंगलेस ब्रांड है। आपसे कोई पूछे डव का मतलब क्या होता है, आप कुछ पीछे की कोलगेट का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। 99% ब्रांड्स ऐसे ही बस बन गए। तो पतंजलि खाली ब्रांड नहीं है, पतंजलि एक बहुत बड़ा दर्शन है। तो आप 5 मिनट ध्यान करेंगे, आपको एक जीवन की सम्यक दृष्टि भी मिलेगी। एक तो श्वासों पर ध्यान कर सकते हैं। किस पर ध्यान कर सकते हैं? श्वासों को जितना दीर्घ और सूक्ष्म लेंगे उतना मन आपका शांत होता जाएगा। श्वास पर ओम का ध्यान कर सकते हैं। किसका ध्यान कर सकते हैं? ये मैं आपको सिखा रहा हूं। श्वास लिया,
तो मन में ओम का चिंतन किया, श्वास छोड़ा तो मन में ओम का चिंतन किया, गायत्री का ध्यान कर सकते हैं, श्वास लिया तो मन ही मन गायत्री का ध्यान किया, श्वास छोड़ा तो मन ही मन गायत्री का ध्यान किया, फिर नासिकाग्र पर आज्ञा चक्र में, सहस्रार में अथवा हृदय तक चक्र में ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान तो एक क्षण में लग जाता है, ध्यान का मूल तत्व है सब ज्ञान, सब प्रेरणा, सब शक्ति, सब सामर्थ्य, ये जो दृश्य और अदृश्य सबका आधार भगवान को मानना, और भगवान में सबको देखना और सब में भगवान को देखना, भगवान में सबको देखना और सब में भगवान को देखना। सब मेरे साथ बोलिए, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ईशावास्यम इदं सर्वं वासुदेवः सर्वं सर्वं खलु इदं ब्रह्म। तो वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, गीता में, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब में मुझको देखता है, मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं एक क्षण के लिए बहुजन नहीं होता, तस्य हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यामि। ये तो हमारी दृष्टि है, ये हमारा दर्शन है, ये हमारी संस्कृति है। जैसे हम बार बार कोई बात आती है तो कहते हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं है। तो ऐसी दृष्टि हमें मिलनी चाहिए, और इस दृष्टि से संपन्न होगा वो पतंजलि का सच्चा डिस्ट्रीब्यूटर है। जो इस दृष्टि से संपन्न होगा वो पतंजलि का सच्चा चिकित्सालय संचालक है, वो पतंजलि के अभ्युदय से जुड़ा हुआ है। कोई भी ब्रांड को लोग कहते हैं ये व्यापारी का ब्रांड है, ये उसका ब्रांड है, ये उसका ब्रांड है, उस घराने का ब्रांड है। पतंजलि के बारे में लोगों को क्या लगता है, ये मेरा है। पतंजलि में जो बनाए वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का है, वो प्राइस भी उसका या तो लो प्राइस है या कोई बस वैसी चीज है कि जिसका लो प्राइस नहीं खा जा सकता, तो ये 100% प्योर है, और इससे जो भी प्रॉफिट होगा वो कहीं इस देश के बाहर नहीं जाएगा और इस देश की भलाई में लगेगा। ये कमाई भी भलाई के लिए, ये व्यापार भी उपकार के लिए, ये उद्योग भी योग के लिए, सबकी सेवा के लिए। इसलिए इस बात को मैं थोड़ा समझा रहा हूं, और आगे किस तरह से इसको बढ़ाना है इसको भी, ये भी हम सबका साझा कर्तव्य। दिस इज अवर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, ये बड़े दर्शन है अपने पतंजलि के। मैं कह रहा था अब ये जो है कब आया था सबसे पहले अजीत भाई, 2005 में आया था, 11 साल हो गए इसको। योग शिक्षक पूरे देश भर से अपने हजारों लाखों योग शिक्षक हैं, भाई भी हैं, बहन भी हैं, 5 अपने संगठन हैं, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत और पतंजलि किसान सेवा समिति, 5 संगठन काम कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े काम हो चुके हैं, आगे होने भी हैं। आपको ये भी पता, आपसे हम कहेंगे कि आपको ये करना है, लेकिन उससे पहले हम कुछ कर रहे हैं, उसके हमारी अपनी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी हम अपनी मानते हैं। आज लाखों कार्यकर्ताओं का और करोड़ों जो उसके साथ में देशवासी जुड़े हैं उसका संगठन हम चलाते हैं। आज हजारों एकड़ जमीन पर अलग अलग तरह की अपनी एक्टिविटी चल रही है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अनुसंधान की, गोसेवा की, कृषि की, प्राकृतिक चिकित्सा की, आचार्य कुलम से लेकर के वैदिक गुरुकुलम से लेकर के विश्वविद्यालय तक की, और शिक्षा के कार्यों को बहुत बड़ा विस्तार देना। तो बहुत जल्दी ही भारतीय शिक्षा बोर्ड बन जाएगा, और इस देश में एक तरफ हम साइंस और टेक्नोलॉजी, न्यू वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी, माने श्रेष्ठतम आधुनिक शिक्षा भी देंगे, और श्रेष्ठतम अपनी वैदिक सत्य सनातन जो परंपराओं की शिक्षा है वो भी देंगे। वेद भी पढ़ेंगे बच्चे, और संस्कृत के साथ साथ वो अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, साइंस, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर भी। ये बहुत बड़ा काम होना। तो मैं बात आपसे कह रहा था कि ये पतंजलि क्या है, हमने कैसे, ऐसे नहीं कि हमने किसी के तरफ ऐसे नजर से देखा और कहीं उसके ऊपर नोटों की बरसात हो गई, ऐसा नहीं। बिना पुरुषार्थ के कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। जो बिना मेहनत के मिलता है वो क्या है, वो हराम का है।
अब तो ब्लैक और व्हाइट बहुत भयंकर मामला चल रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है अब लोगों को पता लग रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात ही कह रहा हूं, कभी भी भगवान से प्रार्थना करना कि बिना मेहनत के हमें जिंदगी में प्रभु कुछ भी ना देना हमें, और बिना मेहनत का किसी को मिल भी जाएगा तो उसकी बरकत नहीं होगी, वो आपके जीवन में खुशियां दे ही नहीं सकता। जो आप जिस जो जो आपने मेहनत नहीं की तो आपका उसके ऊपर अधिकार है ही नहीं। उसी को बोलते हैं हराम का है, उसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। मेहनतों की शुरू में आए तो योग शिक्षक के रूप में आए थे भैया जी, फिर इनको हमने देखा ये अच्छा कार्य करता है, इसको जो है एक जिले का दायित्व दिया, फिर देखा ये अच्छा काम कर रहा है, चलो इसको राज्य का दायित्व देते हैं। इसने कभी हमसे कुछ मांगा नहीं, लगा रहता था सेवा में। हमने कहा लड़का इतने साल हो गए इसको सेवा करते करते, 10 साल हो गए, तो करीब 1 साल पहले हमने इसको चिकित्सालय दिया, ये सेवा ही करता अभी भी, लेकिन हमने कहा ये काम कर रहा है तो इसको चिकित्सालय देते हैं। और अभी अभी कितना है तुम्हारा महीने का सैलरी उसमें चिकित्सालय? करीब 50 लाख का है, साल भर का करीब 6 करोड़ का इसका टर्नओवर हो गया है। आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया, इसने सेवा की। हमने कहा ये सेवा कर रहा है, चलो। पतंजलि चिकित्सालय जो पहले संस्था चला रही थी तो ये भी संस्था का ही अपना भाई है, तो इसको भी आगे बढ़ाओ। अब 6 करोड़ में इसको 5% भी बचेगा तो भी बचाना है इसको। मैं एक साधारण सी बात कह रहा हूं, क्योंकि चिकित्सालय में बहुत बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत बड़े खर्चे भी होते हैं, सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हमने किसी भी भाई को, ये जितेंद्र बैठा है यहां पर, जब पिछला हमने शिविर किया था, कब किया था आपके यहाँ शिविर, कौन सा जिला है आपका? 2010 छपरा में। हम छपरा में गए तो अपने कार्यकर्ता इसके पास गए कि भाई बाबा जी आ रहे हैं छपरा में, कुछ सेवा करो, यहाँ योग शिविर लगाएंगे बाबा जी। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को मांगना भी नहीं आता। कितना मांगा था तेरे से? 11,000-21,000, आप कुछ भी दे दो। तो इसने पूछा कि तुमको जरूरत कितने की है, तो इसने बिना मांगे 11 लाख रुपए का दान दिया इसने। ऐसा नहीं कि इसके दान देने मात्र से हम कोई प्रभावित हो गए, हमने देखा ये आदमी कैसा है, इसके बारे में पता करवाया। कोई भी हमें दान देता है ना तो उसका हम पता करवाते हैं आदमी है कैसा, तो फिर पता लगा ये आदमी तो बड़ा सीधा साधा है। तो हमने कहा भाई ठीक है, इस आदमी को जरा बुलाओ। तो हमने इसको बुला करके और इसको सेवा में लगाया। अभी जो हमारा बेटा है, माने जितेंद्र जी का लड़का, क्या नाम है बेटे का? किधर है विकास? खड़ा हो ना। ये लड़का भी पढ़ाई करते ही तुरंत सेवा में लग गया। अभी हमने CNDF भी चालू कर दिया, उसके बावजूद भी जो है कितना तक हो गया था तेरा टर्नओवर SD का? करीब 19 करोड़ प्रति महीना का ये जो है CNDF के चालू होने के पहले होता था, और अब कितना हो रहा है? 8.5 का तो हो ही रहा है, वापस 19 का हो जाएगा। साल भर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जोरदार इसके बेटे का भी अभिनंदन। अरे ये लड़का भी हाँसी सीख के आया, कॉलेज से आया, सीधा का सीधा इसको काम में लगा दे, दिमाग है, काम लिया, मेहनत की। थोड़ा भी योग कम करता है, आज मैंने इसको सुबह सुबह बोला, मैंने कहा जब तुम्हारा गुरु सुबह सुबह उठ करके प्राणायाम करता है, ध्यान करता है, दंड बैठक लगाता है, पसीना बहाता है, तो करेगा ना अब कल से? हाँ, इसके लिए ताली बजाओ। बाबा जी के चेले होके मोटे हो गए तो लोग ही तुम्हें जीने नहीं देंगे। अरे बोले बाबा जी का चेला होके मोटा हो रखा तो बदमाश है, तो बाबा जी का पक्का चेला नहीं है, ऐसे लोग तुम्हें बोलेंगे, चढ़ाएंगे, इसलिए बैठ जा, तेरे को मैंने ही पहले टोक दिया है। तो आज ये 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम कर रहा है लड़का, कॉलेज से आते ही 100 करोड़ से ज्यादा, ये कोई छोटी बात है? लेकिन किससे? कोई काम करने वाला होना चाहिए। हम कभी भी किसी को, मैं एक बात कहता हूं, आप में से यहाँ चिकित्सालय चला रहे, जिन लोगों को पहले दवा खरीदने के लिए, औषधि खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था, ऐसे कम से कम नहीं तो 1,000 से ज्यादा लोगों को मैंने उधार में दिला दिला करके, कि इन लोगों ने सेवा की, इनको दे दो 5-10 लाख रुपए की उधार दे दो, उनको खड़ा किया।
और उनको आज उनका करोड़ों करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, किसी का 5 का, किसी का 3 करोड़ का, किसी का 5 करोड़ का। उनको करोड़ कभी पैसे सोचे नहीं थे कि करोड़ रुपए भी हम कभी देखेंगे जिंदगी में। काम तो करना पड़ता है, देखो ईमानदारी तो चाहिए। हमने हमेशा यही सोचा है। आज लोग अपने से बाहर नहीं सोच पाते, बस मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, कुछ तो माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचते, कुछ लोग हैं थोड़ा बहुत परिवार के बारे में सोचते हैं। आज हमने एक मन में संकल्प लिया है कि मेरा 125 करोड़ का हिंदुस्तान, ये सबकी जिंदगी में खुशहाली हो, समृद्धि हो, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, सर्विस फॉर ऑल, लव एंड कंपैशन फॉर ऑल, ये है हमारा गोल और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों में से, ये तो मैंने एक दो एग्जांपल दिए यहां पर, और भी बैठे यहां पर, गिरधारी लाल जी, ये भी केजरीवाल लिखते हो, क्या लिखते हो आजकल ये केजरीवाल, खेतड़ीवाल, खेतड़ीवाल पीछे बैठा है, गणेश किधर है, वो भी बैठे, एक बार उसके लिए भी बहुत बहुत ताली बजाओ, बहुत सेवा की इसने, गणेश ने भी। जिसके साथ हमारा प्रेम है तो है, अभी गिरधर की भी बात सुन लो, अभी तुम्हारा कितना चल रहा है, 6 करोड़ का तो अभी भी चल रहा है, 100 करोड़ से ज्यादा करेगा मार्च तक, बैठो। अब हम किसी को बोलते भाई देखो काम तो करो, अब काम करोगे, मैं अभी नेपाल था, हजारी लाल एक राजस्थान का वैश्य परिवार का भाई काठमांडू चला गया, एक बाबा जी ने उसको पहले एक आना होता था, एक आना दे दिया कि देख भाई एक आना दे रहा हूँ, दिन में इससे सामान खरीद लाना और शाम को मेरा आना वापस कर देना, जो प्रॉफिट, मतलब जो शाम को आना मेरे पास जमा करना है, फिर अगले दिन। उसको एक महीने तक काम कराया, उसका एक दो आना जो भी पहले होता था वो पूरा हो गया, उसके बाद बोले अब इस एक दो आने से अपना काम कर। आज उसके परिवार के पास में 200 करोड़ की संपत्ति, अभी करीब 10 करोड़ की जमीन पतंजलि को दान में दी योग ग्राम बनाने के लिए, वीरगंज रक्सौल बॉर्डर के पास करीब 10 करोड़ की जमीन पतंजलि को दान में दी कि बाबा जी आप यहाँ योग ग्राम बनाओ। उसके पिता का नाम जो है रामकृष्ण, महेश और जो है जगदीश और जो है जो भी कुछ नाम है, पूरे परिवार के लोग नारायण जो भी है। तो बोले बाबा जी हम लोगों को तो ये संतों के आशीर्वाद से मिला। तो उसने कहानी बताई अपनी कि हमारे बाप के पास में तो बस घर से जितना किराए का पैसा लेके आए थे वो खत्म हो गया, और इतनी ठंड लगने की तो बाबा जी कोई धुना लगा के बैठे थे, वहाँ जाके बैठ गए, वो धुने में नींद आ गई, सुबह उठे तो पता लगा अरे यहाँ तो बाबा जी के पास बैठे। तो बाबा जी के पास जो, बाबा जी ने उसको दान का पैसा दिया नहीं उसको, क्योंकि बाबा जी के पास जो है वो तो दान का पैसा है। आजकल कुछ लोग बाबा लोग भी जो है चेलों के ऊपर बहुत लिटाते हैं, चेलियों पर बहुत लुटाते हैं। एक जगह तो हमने देखा टीवी के ऊपर चल रहा, बाबा जी पैसा लुटा रहे नाचने वाली के ऊपर। अरे भाई बाबा जी होके क्यों जो है ऐसा बदनामी का काम करते हो। साधु का काम किसी को हराम की कमाई देना नहीं है, साधु का काम आपको ऐसा मार्ग बताना है, एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर देना है, आपको ऐसा पुरुषार्थ कराना है जिससे कि आप इतने सक्षम बन जाएं कि आप पुरुषार्थ से स्वयं भी समृद्धि कर पाएं और पुरुषार्थ से आप परमार्थ भी कर पाएं, यह है साधु का काम। तो आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो नए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो अभी नए जुड़े हैं पिछले 3-4 महीने में, 3-4 महीने में जो नए जुड़े हैं, तो एक बार इनके लिए ताली बजाओ भाई, ये अपने परिवार के नए सदस्य हैं। ये तो पिछले 3-4 महीने में जुड़े, जो पिछले 1-2 साल से काम कर रहे हैं वो हाथ उठाना, 1-2 साल वाले, और जिनको 4-5 साल हो गए हैं, जिनको 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 3-4-5 साल से कर रहे हैं, चलो इन सबका अभिनंदन है। और चिकित्सालय वाले तो पुराने हैं, कोई 10 साल पुराने हैं, कोई 5 साल पुराने हैं। अब चारों तरफ लोग मंदी 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 पुकार रहे थे। मंदी के दौर में भी हमारे मेहनत करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पहले 50 दुकान कर रहे थे, 100 दुकान करनी शुरू कर दी, मंदी खत्म हो गई। जिन चिकित्सालयों के पास में कार्ड मशीन लगी हुई थी वहां मंदी का असर ही नहीं हुआ, 1-2 दिन तो थोड़े लोग प्रॉब्लम में रहे। इस मंदी के दौर में भी
जिन्होंने पिछले महीने से ज़्यादा अच्छा किया इस महीने, वो हाथ उठाना, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो या चिकित्सालय वाले। मंदी में भी जिन्होंने अच्छा किया, पहले से अच्छा किया, एक बार खड़े हो जाओ जरा। ये सारे देश में लोग परेशान हो रखे, बोलो मोदी ने सबको परेशान कर दिया, मंदी आ गई, मंदी आ गई। तो मंदी में भी तेजी से बढ़ रहा आ गया पतंजलि, एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। बैठो बैठो, ये मंदी में तेजी चल रही है। और अभी मैं इसलिए आया हूं कि इस मंदी में इतना तेजी से चला देना है पतंजलि को कि बाकी सारे अपने आप ही आउट हो जाएंगे एमएनसीज। इतना तेजी से चलाना है, ये यूनिलीवर, ये कॉलगेट, ये वेबसाइट, ये फलाना है, ये ढिकड़ा, क्यों इस तरह की पूरी रणनीति है। इसलिए मैंने अभी पूरे देश भर में मीटिंग की है कि यह मात्र इस अभियान को ही सफल बनाना नहीं, किस तरह से हमें चुनौतियों के बीच में, हमने तो हमेशा संकटों के बीच में, चुनौतियों के बीच में, समस्याओं के बीच में काम किया है। क्राइसिस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, इनके बीच में काम करने का आनंद अलग है। अब करो क्या? एक चीज तो जरूर हुई है, जो लोग एक एक दो दो महीने तक उधार का पैसा नहीं देते थे, सब ने दे दिया है। पैसे ले लेके पीछे घूम रहे, ले लो भाई, ले लो ले लो। तो कितना बढ़िया काम करवा दिया मोदी जी ने, ताली बजाओ मोदी जी के लिए एक बार। तुम्हारी सारी उधारी पूरी कर दी। कुछ तो बोले अगले महीने का भी ले जाओ। विपरीत परिस्थितियों के बीच में आपको काम करना आना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पतंजलि में काम करने वाले के लिए एक नहीं दो काम है, सो काम है। और भाई जो काम करने वाला नहीं है उसके पास, उसके लिए हमारे पास कोई काम नहीं है। कुछ लोग, अरे जो है ये पतंजलि जो है बड़ा खतरनाक ब्रांड है, जो काम नहीं करता वो ठीक ही नहीं पाता। अच्छी बात है ना, ये आलसियों का अड्डा थोड़ी है कोई, है कि भांग खा लो और पड़े रहो। ये जो प्रमादी लोग हैं, आलसी लोग हैं, जिनको कुछ नहीं करना, पड़े हुए ऐसे मस्टंडे, ये मस्टंडों का अड्डा है कोई, है ना? काम तो करना पड़ेगा। और काम करने वालों को हम प्रोत्साहन देंगे। जो आप में से, अब सुनो, आपके लिए कह रहा हूं, जिनके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, हो सकता है दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर जो काम नहीं कर रहा होगा उसका काम भी उसको दे दिया जाए। कुछ लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के बैठे और काम ही नहीं कर रहे, और कुछ लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आप सुन लो, जो काम करेगा उसका हो सकता है एक से दो हो जाए, और जो काम नहीं कर रहा उसका हो सकता है दो से एक हो जाए। ताली बजाओ। हम बोले बाबा जी कैसे बजाए, हमको यही नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तुम्हारे साथ वही होने वाला है जो तुम चाहते हो। नहीं, आपको यदि आप काम कर सकते हो तो एक से दो हो जाएंगे, नहीं कर सकते तो दो से एक हो जाएंगे। इसमें क्या है? ये तो देखो, दुनिया में पुरुषार्थी व्यक्ति ही टिक पाएगा। ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं बनी है। एक आपने मंत्र पढ़ाया ना मेरे साथ, पढ़ लो, नहीं पढ़ाया तो, वीर भोग्या वसुंधरा। इससे धरती पर कौन लोग जिंदगी रहते हैं? सर्वाइवल का प्रश्न है। ये तो पूरा मनुष्य ही नहीं, दूसरे जीव जंतुओं में भी है। जो ताकतवर है वही जिंदा रह पाता है। बोले बाबा जी आप तो करुणा करने वाले हो, सन्यासी हो, आप तो निर्बलों को बल देते हो। अरे निर्बलों को बल तो दे दिया, लेकिन तुम भी तो थोड़ा बल लगा लो। देखो भाई, करना तो पड़ेगा। आप में से कितने ऐसे भाई जिनके पास एक वर्टिकल है, जरा हाथ उठाना। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। एक एक वर्टिकल में भी अच्छा कर रहे हैं। जिनके पास दो वर्टिकल है वो हाथ उठाना ईमानदारी से। अब नीचा कर लो। अब जिनके पास में जिलों में, तहसील में नहीं, तहसील में तो हो सकता है एक एक के पास चार चार हैं, जिनके पास एक जिले में दो से अधिक वर्टिकल है वो हाथ उठाना।
जिले में जिले वाले हाथ भी उठाने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं कि कोई बाबा जी अभी कैंसिल ना कर दे। अरे भैया पता है ना, रिपोर्ट तो सब हमारे तापसी के पास माध्यम से हमारे पास आती है ना, तो आप ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो? तो वो जिले में भी चार चार लेके बैठे हुए हैं। आप कहेंगे जी हमारा जिला तो छोटा सा है। जिला छोटा भी है तो फूड की रेंज करीब 50 प्रोडक्ट हैं, नाम भी याद नहीं होंगे आपको। अब तहसील वाले सुन लो, तहसील वाले जिनके पास में दो वर्टिकल हैं वो हाथ उठाना। तहसील वालों के पास जिनके पास दो वर्टिकल हैं और जिनके पास में चारों के चारों है वो हाथ उठाना। हाथ नीचे कर लो, दो वर्टिकल लो, अच्छे से करो। आस पड़ोस के 25-50 गांव पकड़ो जो तहसील में काम कर रहे हैं, दो वर्टिकल मिलेंगे एक तहसील वाले को। दो वर्टिकल जिनके पास हैं खड़े हो जाओ तहसील वाले, तुम्हारे लिए खुशखबरी देता हूँ, जिनके पास दो वर्टिकल हैं तहसील वालों के पास दो वर्टिकल हैं। और दो वर्टिकल वालों ने एक से ज़्यादा वाहन किसने लगाया है? एक से ज़्यादा वाहन है, क्या बात है, कितने लगाए? दो लगाए। और कितना सेल है? 22 लाख। जिन्होंने दो लगाए हाथ खड़े करो, कितना सेल है? 15 लाख। दो व्हीकल लगा के आस पड़ोस के गांव कितने कवर करते हो? 7 से 9। बैठो आप लोग, जिनके पास में तहसील है उन तहसील के गांवों को एक पूरा बनाया जाएगा उसका कवरेज क्षेत्र, और तहसील वालों को हम वाहन के लिए इंसेंटिव देंगे, इसकी पूरी योजना बना रहे हैं। उसका एक पूरा एरिया बनाएंगे, उसका एरिया एलोकेट करके किस एक एक तहसील के नीचे एवरेज कितने गांव हैं जी? 25 से 50 गांव। अरे बड़े गांव बता रहे हैं, छोटे छोटे अलग हैं। 25 से 25 to 50। आप में से कौन से ऐसे तहसील वाले हैं जो 25 गांव करते हैं? कितने गांव करते हो? 40-50 गांव करते हो? रोड रोड वाले, इंटीरियर रोड रोड वाले करके इसीलिए ये कर लेता है। कितना करो टर्नओवर है? 25 लाख है, क्योंकि करीब लंबी है तहसील, 35 गांव में करते हैं। कितना टर्नओवर? 22 लाख। और वाहन कितने लगा रखे? दो वाहन लगा रखे। तो जो ऐसे 25-25 गांव कर रहे हैं उनको एक वाहन के लिए हम अभी पूरा योजना बना रहे हैं, उनको इंसेंटिव पतंजलि की तरफ से दिया जाएगा, वाहन के लिए दिया जाएगा। हाँ, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, पूरे गांव में छा जाना है पतंजलि को। बैठो, तहसील वालों के लिए भी हमारे पास योजना है। तहसील वालों को बहुत काम करना है, शहर वालों को कम मेहनत में ज़्यादा कमाई हो जाती है। तो तहसील वालों के लिए काम कौन करेगा? तहसील वाले करेंगे। गांव वालों के लिए काम कौन करेगा? गांव वाले करेंगे। हम लोग जहाँ कम मेहनत होती है ज़्यादा कमाई होती है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अरे भैया जिस गांव में पैदा हो उस गांव को भी तो आगे बढ़ाओ, उन गांव में भी तो पहुँचाओ। गांव में चारों तरफ विदेशी कंपनियाँ लूट मचाए हुए, तो गांव वालों को तहसील वालों को हम मदद करेंगे ज़्यादा। जो शहर वाले हैं कहीं 25% कहीं 50% कवरेज लेके बैठे हो, शहर की एक भी दुकान खाली नहीं रहने चाहिए, हर दुकान में पतंजलि का प्रोडक्ट उपलब्ध हो, क्योंकि ये मात्र कोई व्यवसाय नहीं है, ये इस देश की आर्थिक आज़ादी का अभियान है कि विदेशी कंपनियों की जो आर्थिक लूट है उससे देश को बचाना है। भैया अभी तो बहुत ज़बरदस्त कैंपेन हम लोग चलाने वाले हैं, अभी 26 जनवरी से पहले भी चलेगी, 15 अगस्त को भी हमने चलाई थी, अभी भी चल रही है। अभी इस मंदी के दौर में भी सबसे बड़ी कैंपेन अभी पतंजलि की ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 1 तारीख से। तो आपको बहुत बड़ा